हम ब्रिक्स में विश्व की 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से ब्रिक्स ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बना हुआ है। हालांकि अभी भी विश्व जीडीपी 23% और ट्रेड 16% में हमारे हिस्से के बढ़ने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, वह जनसंख्या के अनुरूप नहीं है। एक्सलेंसी, ग्लोबलाइजेशन के लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है। हालांकि ग्लोबलाइजेशन के फायदों के समान वितरण को लेकर हमारे सामने चुनौतियां हैं। मल्टीलेटरिज्म और नियम आधारित विश्व व्यवस्था के सामने निरंतर कठिनाइयां आ रही हैं और प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है। करेंसी अवमूल्यन और तेल कीमतों में तेज बढ़ोतरी पिछले कुछ वर्षों में अर्जित लाभ को चुनौती दे रहे हैं। ब्रिक्स देश वैश्विक स्थिरता और विकास के योगदान में देते रहे हैं। हमने विश्व की आर्थिक और राजनीतिक संरचना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के आर्किटेक्चर को और अधिक प्रतिनिधित्व वाला और लोकतांत्रिक बनाने में सार्थक योगदान दिया है और इस दिशा में आगे भी कार्य करते रहेंगे। हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि आज आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां। यह न केवल शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है, यह आर्थिक विकास के लिए भी एक चुनौती है। हमने सभी देशों से FATF मानकों के कार्यान्वयन का आग्रह किया है। आतंकवादियों के नेटवर्क, उनकी फाइनेंसिंग और उनकी आवाजाही को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क को मजबूत करने हेतु ब्रिक्स और G20 देशों को साथ मिलकर काम करना होगा। आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों के विरुद्ध हमें मिलकर काम करने की आवश्यकता है। यह समस्या विश्व की आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।